मलेरिया डेंगू है, तमिलनाडु के हैं वो, तमिलनाडु के वो, हम मलेरिया डेंगू है। उससे जो पूछा हम मलेरिया डेंगू, फिर कह रहे हैं वो कुर्सी पे काहे को बैठ गया, हमारे हमारी उंगली से ये उंगली से ही बैठा ना, और हमारी उंगली को कह रही है मलेरिया डेंगू है। कितना बड़ा वो है, वो खत्म कर देना चाहिए। हाँ तो उसी को खत्म कर देना, सनातन धर्म को। अरे उसी को खत्म कर देना चाहिए ना, जो कह रही है सनातन को खत्म कर दो, उसी को खत्म कर दो, उसी को खत्म, हाँ उसी को खत्म करो, क्योंकि ऐसा ना कीड़ा रहेगा समाज में ना, ऐसा मतलब ये सनातन धर्म के लिए बोलेगा, देश की जनता के लिए नहीं लड़ा, खुद के लिए लड़ा है, खुद के लिए आपके लिए लड़ाई। अरे वो मोदी फंसा रही है इसलिए सब एक हो रहा है, वो भी एक ही है, और ये कितने हैं 50 है, हिंदू गद्दार है, जो को मतलब ये ऐसे लोगों को वोट दे रही है। अच्छा हाँ, जो को नहीं तो ऐसे लोगों को वोट ही नहीं देते, ये कुर्सी की मलाई की, मलाई की सीट की वजह से मतलब ये कि अपनी सीट सत्ता ले ली, बाद में हिंदुओं की गाली मत दो, गाली मत दो। अरे वो गाली बकने में आ जाता है ना, सॉरी, हिंदुओं को मतलब ये बर्बाद करने के 60-70 साल में, जब से अभी तक मतलब ये हिंदुओं को कहाँ रखा इनने, देश को कहाँ रखा, पीछे रखा, आज पीछे रखा कांग्रेस ने, और ये अन पार्टी जितने भी जितने जोड़ के रहा ना मोदी हटा, इनका एक ही लक्ष्य है बस मोदी हटा, इनका लक्ष्य है बस हमें कुर्सी मिल जाए, हमारा घोटाला सही हो जाए, हमारा घोटाला सही हो जाए, हमें कुर्सी मिल जाए, हम सत्ता में आ जाए, बात खत्म होती है। हिंदू धर्म के ऊपर तो मतलब ये है कि वो इतनी बातें उठा लेते हैं, दूसरे धर्म के ऊपर जरा के देखें, शरीर पे गर्दन ही नहीं रहेगी उनकी। अच्छा। है हम हिंदुओं को तो वो फौरन के देते हैं, हिंदुओं को तो वो फौरन के देते हैं, वो दूसरे धर्म पे के देखें, तो कह रहे बीमारी है सनातन धर्म, इसको खत्म कर देना। तुम क्यों हिंदू हो, तो फिर तुम क्यों हिंदू हो, और तुम्हारी कुर्सी के लिए तुम मतलब ये कि हिंदुओं को गाली बकरा हो, हिंदुओं फिर तुम्हें लाके क्यों दे, ये तो हिंदू गद्दार है जो कि तुम जैसे आदमी को मतलब सीट दे रही है, कुर्सी दे रही है, गलत कह रहा हूँ क्या? मैं जनता की इज्जत नहीं कर रहा, हिंदू धर्मों के ऊपर मतलब ये कि टिप्पणी कर रहा है, दूसरे धर्म पे टिप्पणी करके देखे, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, होगा दूसरे धर्म पे टिप्पणी, सर कलम हो जाएगा उनका। अच्छा, छुपे छुपे फिरेंगे फिर, ये उनके लिए डर के कुछ कहते नहीं है, उनके लिए तो फुल सपोर्ट है उनके, हिंदुओं को, हिंदुओं हिंदुओं परिस्थिति में देश, आज हमारा देश स्वच्छ है और अच्छा है, और हर चीज में, नहीं तो पहले रोडों पे कचरा नाली भरी है, कचरा कूड़ा कहीं नहीं जा रही, कोई कचरा गाड़ी नहीं चल रही, आज चल रही है, आज चल रही है जी, किसके बदौलत? राजनीति करो, राजनीति करो, अच्छी करो, गठबंधन क्यों बना, अपने दम पे लड़ो ना, पूरब की तरह है जी, वो तो कह रहे हम सब शेर है, अरे काय के शेर है, लड़ाई है सब, सब लड़ाई है, काय के शेर, शेर होते तो अकेले लड़ते, किया क्या मोदी जी ने, मोदी ने ये किया कि हमारे भारत देश का इतना बड़ा नाम कर दिया कि करने से आगे, हमें उस बात का ही गर्व है, हम तो अरे कमा खा तो हम ही रहे, कोई सी भी सरकार आ जाए, कोई सा भी नेता आ जाए, हम करेंगे तो हम वही काम, हम ऑटो चला रहा है आज, ऑटो चला रहा है तो ऑटो ही चलाते रहेंगे, हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि बन ही नहीं देंगे जी, अरे हम बन जाएंगे तो फिर इन्हें कौन पूछेगा, पर चाय वाले तो बन गए प्रधानमंत्री, अरे चाय वाले बन गए, अब चाय वाले ने इतनी पर मेहनत करी और संघर्ष करा इसलिए वो बन गए, अब हमें थोड़ी बनने देंगे कोई, आम जनता जो है ना, आम नेता जो है वो एक केजरीवाल, अरे मोदी जी ने तो गरीबी, अरे वो केजरीवाल का कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, 8-8 लाख के पर्दे, और वो लेटरिंग के लिए वो शीला दीक्षित को क्या कहता था, सत्ता में आया था कि वो लेटरिंग एसी फलाना, अब खुद काय में जी रिया है, चांदी की थाली से तो चम्मच से, कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं करूंगा मैं, अरे को सत्ता के पीछे, सत्ता के पीछे क्या नहीं कर रही है वो, क्या नहीं कर रही है, सब कुछ कर रही है, अब वो तो मध्य प्रदेश भी आएंगे, अरे चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में, तो उसे कहीं का है ना, कहीं का बंदा भी है ना, एक वोट नहीं दे सकता है, एक वोट नहीं दे सकता, तो कौन दिल में बसेंगे जनता, अरे दिल्ली में ही तो नहीं बस पाया तो जहाँ क्या बसेगा, वो दिल्ली की जनता जो उसे दूसरी बार चुन लिया, हाँ अब उसे समझ लिया, समझ लिया कि मैं सब दूरी जीत गया, वो एक पंजाब की जनता थी
जो के मतलब उसे वहाँ पे गठबंधन बना दिया उसका, सरकार बना दी। अच्छा। नहीं तो कौन सरकार बनाता उसकी, हम जैसे जहाँ सीओर में आके बता, वो हमारे मारे एमपी में आके बता। अरे एक सीट ला के ही बता दे वो, यहाँ एक भी नहीं आएगी। अरे एक भी नहीं आएगी ना। और मामा जी की, मामा जी की तो आएगी। अब देखो ऐसा है, मामा जी की तो भुलाई भुलाएगा, फुल बहुमत से आएगा वो, फुल बहुमत। अरे कमलनाथ जी भी है भाई साहब, वो कमलनाथ भी है, वो कमलनाथ भी है। अब हिंदू हिंदू करने लग गया बाबा, वो दरगाह दरगाह घूम रहे बाबा, मंदिर मंदिर घूमने लग गया। नहीं पहले तो वो भी मंदिर नहीं घूम रहा था। हनुमान भक्त हूँ मैं, जब तो इतने साल से का हनुमान भक्त था, जब क्या कर रहा था, अब सो रही है। अब तो हनुमान भक्त बन गए, अब भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रही है वो। अभी अब क्या नाम से खेलने लग गया, मैं हिंदू हिंदू। वो जब से क्या मुसलमान था, मैं तो क्लियर कह रही हूँ, पहले क्या मुसलमान था, अब तू हिंदू हो रही है। सीट नहीं मिल रही तो तू हिंदू हो रही है। इनसे इनसे जे पूछो, इनसे जे पूछो कि तुम आओगे तो क्या महंगाई कम करोगे कि और देश को बेच दोगे? वो तो कह रहे हम आएंगे तो करेंगे, और देश को बेच देंगे। वो श्रीलंका को बेच दिया, ऐसे जी बेच देंगे। आटा तेल फ्री देंगे, आटा तेल फ्री नहीं देंगे, ये देश को बेचेंगे। फ्री चाहिए क्या? नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारी कमाई की चाहिए हमें तो। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमने तो आज तक सरकार से एक रुपया भी नहीं लिया। नहीं लिया? हाँ 60 साल की उम्र हो गई है, खुद की मेहनत से कर रहे हैं, खुद की रक्षा से पेट भर रहा हूँ। और मेरे तो 20,000 रुपए खा गया एक मेवाड़ा, वो हिंदू होने के बाद में 20,000 रुपए में ईमान बिगाड़ लिया उसने। झूठ बोल रहे हो, सारी बातें झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे बजरंग की कसम खा के कह रहा हूँ, बजरंग की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे कने वो रसीद गुम गई थी। वो योगी जी आ जाएंगे तो ये सबको सफा हो जाएगा। कौन करेगा, किसका सफाया? अरे सबको ही, पूरे भारत बंटाई कर देगा, बुराई का भी सफाया कर देगा। योगी जी इंडिया गठबंधन, वो इंडिया गठबंधन तो ऐसा कटेगा जैसे वो मशीन से वो काटते हैं ना गेहूं, ऐसे कटेंगे जी, ऐसे कटेंगे। और जो ये सनातन की बुराई करते हैं उनके लिए क्या हो? अरे सनातन की बुराई करने वाले वो खुद ही हिंदू नहीं है। वो तो खुद मतलब ये कि हिंदू होते तो सनातन की बुराई ही नहीं करते। बताओ की बुराई नहीं करते? सनातन की बुराई क्यों करते हैं आप ये बताओ? आप सनातन में रहते हो, आप सनातन की बुराई करोगे क्या? बोलेगा ऐसा गलत कह रही हूँ? किसी सनातन धर्म के लिए नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप मीडिया वालों का भी बड़ा चढ़ा के कुछ बोलो तो बोल दो। नहीं जो आप बोलोगे हम वही सुनेंगे। अरे आप जो बोल दो फिर भी एक कैब में कहते ना, मीडिया वाले कभी सही हकीकत बता देना तो मतलब। राहुल गांधी कह रहे युवा है, आएंगे आपका भला करेंगे। वो हमारा भला कब करेगा? वो उसके ही भला कर ले, वो तो खुद घोटाले में है। अपना ही भला नहीं हो रहा? हाँ वो खुद ही घोटाले में है। अभी 2 साल की सजा हो गई थी उसे, 2 साल की सजा हो गई थी। हम जैसे को 2 साल की सजा हो जाएगी तो क्या सरकार कोर्ट माफ कर देगी? माफ कर देगी क्या भैया? हमारा भला करने के लिए तो मोदी जी है और मामा है। मामा कह रहे हैं अब तो कमलनाथ और राहुल गांधी करेंगे भला। अरे नहीं मामा ही कर सकते हैं भला, कोई नहीं कर सकता। मामा के अलावा कोई नहीं कर सकता। मामा और मोदी जी की तरह भला कोई क्या भैया? वो अपनी खुद की शादी नहीं करवा रहा, वो क्या कर रही है? अरे ये क्या बोल गए भैया, क्या कह रहे हैं, क्या कह के चले गए? तो सही तो कह के गए, सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है। जब कैसे सही कह रहे? अरे वो मैं बताओ, जिसने जो जिसने राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े कर दिए, वो तो वो कहाँ से लोगों का भला करेगा? वो नहीं करेगा भला है? अब तो कह भी रहे हैं कि हम हिंदू हैं, ब्राह्मण बता रहे हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं भैया, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो जो सनातन का नहीं वो किसी का नहीं, वो किसी का नहीं। जो सनातन का नहीं वो किसी का नहीं भाई, जो सनातन का नहीं वो किसी का नहीं। क्यों? जो सनातन को मतलब गाली दिए, जो सनातन को मतलब ये कि बुरा भला का है, और कुर्सी के पीछे, अपनी सीट के पीछे, अपनी मलाई के पीछे, सत्ता के पीछे, और अपनी जो जमीन भारत माता को माता नहीं कहे, वो किस काम का नेता? वो किस काम का नेता? हाँ बिल्कुल, वो किस काम का नेता भैया? किस काम का नेता? ऐसे नेता को तो जनता को सोचना चाहिए कि दूसरी बार कभी जे आके भाषण दे तो इस पे पत्थर देना चाहिए। अच्छा हाँ, अब तो वो कह रहे हैं जनेवधारी ब्राह्मण भी तो बन रहे हैं, अब तो बनने लगे हिंदू सब। कहाँ बनने लगे फिर? काय के लिए सनातन को गाली बकरा?
का डेंगू कह रहा है, का को कह रहा है डेंगू मलेरिया फलाना ढिकाना। कम से कम हम जैसे हिंदुओं को ये तो नहीं सुनने को मिलता कि सनातन धर्म खराब खत्म कर दो इसे जी। अच्छा इसे खत्म कर देंगे फिर क्या बनाओगे, कौन सा इस्लाम बनाओगे तुम, कौन सा इस्लाम बनाओगे? वो तो क्रिश्चियन है। हाँ तो क्रिश्चियन बनाओगे सब, सब सारे हिंदुओं को पूरे वर्ल्ड को क्रिश्चियन बनाना चाहते हो? तो ऐसे नेता चाहिए क्या? ये तो जनता को सोचना चाहिए ना, जनता को सोचना चाहिए कि भैया हम कैसे बनाए, नेता कैसे चुन लें जी।